बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 मैथ फेडरल बोर्ड, आज एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करनी है। तो टॉपिक है आज अरिथमेटिक सीरीज़। सबसे पहले देखें सीक्वेंस और सीरीज़ में फ़र्क क्या होता है। सीरीज़ की डेफिनेशन है, द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीरीज़। मीन्स कि जब आप सीक्वेंस जो आपके पास गिवन होती है उसके दरमियान में सम लगा देते हैं, उसका सम फाइंड करते हैं, ठीक है, उसमें प्लस लगा देते हैं, वो सीरीज़ बन जाती है। यह वजह से 1 2 3 4 एक सीक्वेंस है, जब प्लस साइन से इन्हें कनेक्ट कर दिया तो एक पास क्या बन गई, सीरीज़ बन गई। तो ये इसमें डिफरेंस है। अब अरिथमेटिक सीरीज़ क्या होती है, उसमें यह है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहता है। 2 में से 1 माइनस करें 1 आता है, 3 में से 2 माइनस करें तो वो भी 1 आता है, 4 से 3 माइनस करें तो 1। इसे हम कहते हैं अरिथमेटिक सीरीज़। ये हमारे पास क्या है, ये जो पास है इसे कहते हैं अरिथमेटिक सीरीज़ कहते हैं, अरिथमेटिक सीरीज़, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है टर्म्स का, सेम होता है। उसके बाद है फिनाइट और इन्फिनिट सीरीज़। फिनाइट सीरीज़ देखें, इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज़ इज़ फिनाइट, मीन्स कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, देन द सीरीज़ इज़ कॉल्ड अ फिनाइट सीरीज़। जैसे ये है 3 6 9 12, कहाँ तक है, 99 तक है, लिमिटेड है यहाँ पर, ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं फिनाइट सीरीज़। दूसरे के पास है इन्फिनिट सीरीज़, अ सीरीज़ कंसिस्टिंग ऑफ एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें टर्म्स को हम काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इज़ कॉल्ड इन्फिनिट सीरीज़। जैसे एक एग्जांपल है 2 + 4 + 6 + 8 + so on, ये कॉन्टिन्यू इन्फिनिट तक जा रही है, तो इसे कहते हैं इन्फिनिट सीरीज़ कहते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज़, तो अब यहाँ पे हम फार्मूला यहाँ पे प्रूव करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 × 2a1 + n-1। ये पास है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज। फॉर एनी सीक्वेंस ए एन वी हैव एस एन इज इक्वल टू a1 + a2 + a3 + so on an, लेट कैन हमारे पास एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं और उसके सम को डिनोट करते हैं एस एन से, सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, तो एस एन से इसे डिनोट करते हैं। और अगर हमारे पास ये ए पी है, लेट सपोज कि बस क्या है ए पी है, ए पी मीन्स कि इसमें जो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, और लेट करें डी जो है वो इसका कॉमन डिफरेंस है। इफ़ ए एन इज एन ए पी देन एस एन कैन बी रिटन, एस एन इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में जब डी ऐड करें तो सेकेंड टर्म आएगी, फिर उसमें डी ऐड करेंगे सेकेंड तो थर्ड टर्म आएगी, तो ए वन ए टू को लिखेंगे ए वन प्लस डी, ए थ्री को लिखेंगे ए वन प्लस टू डी प्लस सो ऑन। और ए एन आपको पता है हमने लास्ट एक्सरसाइज में यूज़ किया फॉर्मूला, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा यहाँ पर। अब सपोज करें कि ये जो आपके पास ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, ये बेसिकली ए है ना, इसे मैं एल के इक्वल सपोज करता हूँ, ठीक है, तो आप इसकी जगह एल एल लगा देंगे तो हमारे पास एस एन जो है ये आ जाएगा ए वन प्लस डी प्लस ए वन प्लस टू डी प्लस सो ऑन प्लस एल, इसे इक्वेशन वन का नाम दे दिया। अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, जैसे देखें 1 + 2 हो या 2 + 1 हो, दोनों का आंसर क्या होता है सेम, इसका भी 3 इसका भी 3, तो इसका हम ये सम है तो इसे हम रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं सम को, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास l आ जाएगा, फिर l माइनस मीन्स के यहाँ ये एक पास जो लास्ट टर्म है, फिर उसमें से एक टर्म कम करेंगे तो l माइनस डी लिख सकते हैं, फिर उसमें से एक टर्म कम करेंगे तो l माइनस टू डी प्लस सो ऑन, फिर a1 वन प्लस टू डी ए वन प्लस डी और लास्ट में a1 वन आ जाएगी। यहाँ पे ये लास्ट टर्म थी l और उससे हमने एक टर्म कम करनी है तो उसमें से माइनस डी करेंगे, फिर माइनस डी दोबारा इसमें से करेंगे तो आपके पास आएगा l माइनस टू डी, ये थर्ड लास्ट टर्म आ जाएगी आपके पास प्लस सो ऑन, और ये लिख दी यहाँ पे। अब इसे इक्वेशन टू का नाम दे दिया, इसे वन का नाम दे दिया, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, जब ऐड करेंगे ये बन जाएगा ए वन प्लस एल यहाँ पे, और यहाँ पे डी और डी कैंसिल तो ए वन प्लस एल आ जाएगा, यहाँ भी टू डी और टू डी कैंसिल तो ए वन प्लस एल आ गया, इधर भी हमारे पास देखें यहाँ पे आपके पास सेम इसी मैथड से टू डी यहाँ पे टू डी से कैंसिल होगा तो ए वन प्लस एल आ जाएगा, ये डी बी डी से कैंसिल होगा तो ए वन प्लस एल आ जाएगा, और लास्ट में भी ए वन प्लस एल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जस्ट यहाँ मैंने इसे ऐड किया और डी वाली टर्म यहाँ पे कैंसिल होती गई है। अच्छा, ये आपके पास है एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है एन नंबर टर्म्स। अब यहाँ एक चीज़ यहाँ पे समझें कि अगर आपके पास एक्स प्लस एक्स हो तो इसे हम लिखते हैं 2x, अगर एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स हो तो इसे लिखते हैं 3x, ठीक है, मीन्स कि ये 1 2 तो 2 times x, 1 2 3 3 times x, तो अगर आपके पास ये एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो ये बन जाएगा n टाइम्स ए वन प्लस एल, इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा n टाइम्स ए वन प्लस एल, इसी रूल को हम फॉलो करेंगे 1 + 1 2 1 + 1 + 1 3, तो अगर आपके पास यहाँ पे n टर्म्स हैं
तो इनको काउंट करेंगे तो n टाइम्स a1 प्लस l बन जाएगा यहाँ पे। अब l जो है वो हमने इसके इक्वल सपोज किया था या फिर ये ए एन के इक्वल है, तो ए एल की जगह हम ए एन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ये बस एक फार्मूला आ गया, ये भी क्वेश्चन के अंदर यूज़ होता है ये वाला फार्मूला, इसे ए का नाम दे देते हैं। अगर मैं ए एन की यहाँ वैल्यू लगा दूँ, ए एन की वैल्यू ये है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वैल्यू लगा दी तो इन दोनों को ऐड कर दें, ए वन प्लस ए वन टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास आ गया एस एन का फार्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज का ये फार्मूला आ गया। एक्सरसाइज 4.3 और ऊपर स्टेटमेंट है 1 से 7 क्वेश्चन तक फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, तो ये सीरीज गिवन है आप इसका सम फाइंड करें। अब उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि ये अरिथमेटिक सीरीज या ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो आपने क्या करना है, कॉमन डिफरेंस 7 से 3, 4 माइनस करें 3, 10 से 7 माइनस करें 3, 13 से 10, तो यह पास अरिथमेटिक सीरीज ही है। इस वजह से गिवन डाटा अलग करते हैं सोल्यूशन में, तो ए वन जो है वो आपके पास 4 है। डी कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसमें टर्म काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो एन इसमें क्या आपके पास आ जाएगा, 8 आ गया। तो आपने यहाँ पे 8 टर्म का सम फाइंड करना है बाय यूजिंग सम फार्मूला, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं एस एन यूजिंग सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे हमने 8 टर्म का सम फाइंड, 8 टर्म्स हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे एस एट इज इक्वल टू 8 बाई टू इज इक्वल टू 2, और ए वन की वैल्यू 4 है प्लस एन हमारे पास 8 है 8 माइनस वन, और डी हमने क्या फाइंड किया, 3 फाइंड किया, ये 3 आ गया। एस एट इज इक्वल टू यहाँ आपके पास 4 आ गया क्योंकि 2 1 2 4 8, इधर से 4 2 8 आ गया, यहाँ से 7 3 21 आ जाएगा, ठीक है 7 × 3 तो 21 आ गया। तो एस एट जो है इक्वल आ जाएगा 4 × ये बन जाएगा पास 29। अब 4 को 29 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आंसर आ गया 116, तो एस एट जो है 116, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। ये हमने फाइंड कर लिया 8 टर्म का सम। एक्सरसाइज 4.3 फाइंड द सम ऑफ द सीरीज और क्वेश्चन 2 है, इसमें ए वन गिवन है 2, ए एन लास्ट टर्म 200 है और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 100 है, तो आपने यहाँ पे 100 टर्म का सम फाइंड करना है। उसके लिए आपको चाहिए होगा डी, क्योंकि जो हमारे पास फार्मूला है उसमें एन यूज होता है, एन गिवन है यहाँ पे, ए वन भी गिवन है लेकिन हमारे पास डी नहीं है, तो पहले हम डी फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टर्म होती है वहाँ इस फार्मूले से हम डी फाइंड कर लेते हैं ए टू माइनस ए वन से, लेकिन यहाँ पर जस्ट ए वन एक टर्म गिवन है, तो हम पहले डी फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे nth अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ वैल्यू लगाते हैं। अब ए एन जो है वो 200 आ गया, यहाँ पे ए वन की वैल्यू 2 है, एन 100 है, माइनस 1 आ गया और डी हमने फाइंड करना है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे देखें 2 प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 200 माइनस 1 तो 198, और यहाँ से 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99 डी आ जाएगा। अब 99 को इस पर डिवाइड करते हैं तो 99 वंस और 2 जो होता है 198, तो डी के पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब हम यहाँ पे इसका सम फाइंड करते हैं क्योंकि हमारे पास डी आ गया, तो सम ऑफ nth अरिथमेटिक सीरीज का फार्मूला लगाते हैं, हमारे पास n जो वो 100 है तो s आ जाएगा यहाँ पे, s 100 इज इक्वल टू 100 बाई 2 आ गया इंटू 2, और a1 वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, ये 2 लगा दी यहाँ पे, प्लस 100 माइनस 1, और d हमारे पास क्या गिवन है, d हमारे पास गिवन है 2 जो हमने फाइंड किया है बाई यूजिंग nth अरिथमेटिक सीक्वेंस फार्मूला। तो s 100 एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू यहाँ 50 आ गया, ठीक है यहाँ पे 4 आ गया प्लस 99 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको पता है 198 आता है, 198 में 4 को ऐड करने तो एस 100 जो है इक्वल आ जाएगा 50 × 202। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 202 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है एस 100 का 10,100, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 3 है सम द सीरीज, तो इसमें ए वन 5 गिवन है, ए एन 100 है और एन 200 है। अब बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, जस्ट इसमें वैल्यूज चेंज है। अच्छा इस क्वेश्चन में हमने 200 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो एस 200 फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए हमें डी चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास ए वन तो है, एन भी है लेकिन डी नहीं है, तो डी के लिए हम यूज़ करेंगे nth अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला, डी फाइंड करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किया है। अब यहाँ पे ए एन जो है वो 100 आ गया,
ए वन की वैल्यू 5 आ गई और एन आपके पास 200 है, 200 माइनस 1 इंटू डी एज इट इज़ है, डी हमने फाइंड करना है, 5 को इधर लेके आते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 95। अब यहाँ से आप माइनस करें 1 तो आपके पास 199 डी आ जाएगा, 199 को आप 95 पे डिवाइड कर दें तो डी आपके पास आ गया यहाँ पे 95 ओवर 199, तो ये यहाँ पे मजीद डिवाइड नहीं होता, सिंप्लीफाई नहीं होता। अब हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं एस एन वाला इज इक्वल एन बाई टू, 2a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला मैंने लगा दिया यहाँ पे। हमने यहाँ पे सम फाइंड करना है 200 टर्म का, तो एन की वैल्यू 200 है, ये लगा दिया 200 ओवर 2 इंटू 2 इंटू ए वन हमारे पास क्या था 5 था, ये 5 आ गया प्लस एन माइनस 1, तो एन वही 200 है, माइनस 1 आ गया और डी हमने फाइंड किया था 95 और 199 लगा दी वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 2 100 टाइम, ये 100 आ गया और 2 5 10 आ गया, यहाँ आपको मिलेगा 200 में से 1 माइनस करें तो 199 और 95 बाई 100 एज इट इज़। अब देखें ये और ये आपस में कट जाएंगे, जस्ट यहाँ पे 95 रह जाएगा, 95 प्लस 10 करेंगे तो आपके पास 105 आएगा, 105 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10500, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, सम द सीरीज ए वन गिवन है 4, एन 15 और डी इसमें 3 है, तो आपने यहाँ पे 15 टर्म का सम फाइंड करना है, एस 15 फाइंड करना है। अब यहाँ पे ए वन भी गिवन और डी भी पहले ही इन्होंने इस क्वेश्चन में दे दिया, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करेंगे और इसमें आप एस 15 फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास एस 15 इज इक्वल 15 ओवर 2, 2 ए वन की वैल्यू 4 है प्लस एन हमारे पास 15 है, 15 माइनस 1 और डी के पास क्या है 3 है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एस 15 इज इक्वल टू 15 बाई 2 आ जाएगा एज इट इज़ इन टू 2 4 8 प्लस यहाँ बन जाएगा आपके पास 14, 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर तो 14 से होता है 42, इन दोनों को ऐड कर दें, एस 15 इज इक्वल टू 15 ओवर 2 और ये बन जाएगा आपके पास 50, 2 1 और ये 25 टाइम। अब आपने 15 को 25 से मल्टीप्लाई करना है और देखें एस 15 का आंसर क्या आता है, इसका आंसर आ गया 375, ये रिक्वायर्ड 15 टर्म का सम आ गया। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, इसमें भी सीरीज का सम फाइंड करना है, ए वन 50 है एंड 20 और डी इसमें क्या है माइनस 4 है, ए वन और डी ऑलरेडी गिवन है और आपने 20 टर्म का सम फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे एन टर्म्स ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एरिथमेटिक सीरीज, तो यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं इसमें एस एन, ये फार्मूला लिख दिया मैंने, उसके बाद हमने 20 टर्म का सा है तो एन की वैल्यू 20 लगाना है, यहाँ भी 20 इधर भी और इधर भी 20 लगा दें, एस 20 इज इक्वल 20 बाई 2 इंटू 2 ए वन की वैल्यू 50 है प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पास क्या है माइनस 4, इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये बन जाएगा 10 100 और यहाँ से 19 और माइनस 4 आ जाएगा, अब 19 मल्टीप्लाई माइनस 4 तो माइनस 76 प्लस माइनस माइनस होता है, 100 में से अगर 76 माइनस करें तो आंसर 24 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 240, ये आपने सम फाइंड कर लिया 20 टर्म का। 4.3 क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें यहाँ पे उसने 10 टर्म दिए हैं, ठीक है, तो आपने इसमें 10 टर्म का सम फाइंड करना है, अच्छा ए वन इसमें माइनस 3 है और डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस 3 है, माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 7 प्लस 3 से माइनस 4, इसमें कॉमन डिफरेंस आ गया और क्योंकि यहाँ पे 10 टर्म गिवन है तो एन इसमें 10 होगा, तो आपने 10 टर्म का सम फाइंड करना है, यहाँ पे ए वन भी है डी भी है और एन भी है तो सम फाइंड करते हैं, तो हम एस 10 फाइंड करेंगे, 10 बाई 2 इंटू 2 और ए वन जो है हमारे पास वो माइनस 3 है प्लस 10 माइनस 1 और डी के पास क्या है माइनस 4 आ गया। अब 10 बाई 2 से आंसर 5 आ जाएगा, कटिंग करेंगे तो हमारे पास यहाँ माइनस 6 आ गया प्लस यहाँ पे 9 इंटू माइनस 4 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एस 10 जो है इक्वल आ जाएगा 5 माइनस 6 और माइनस 9 4 होता है 36, इन दोनों को ऐड करते हैं तो एस 10 जो है 5 इंटू माइनस 42, दोनों को ऐड करें सेम साइन है तो माइनस 42 आ जाएगा यहाँ से, अब माइनस 42 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर यहाँ पे आएगा माइनस 210, ये आपने 10 टर्म का सम फाइंड कर लिया। 4.3 क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी सीरीज़ का सम फाइंड करना है 9 11 13 15 और आपने n 12 मीन्स कि आपने 12 टर्म का सम फाइंड करना है, यहाँ उसने n खुद से मेंशन कर दिया है तो ए वन इसमें 9 होगा, d कैसे फाइंड करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 11 में से 9 माइनस करें 2 आता है, या 13 में से 11 माइनस करें तो 2 ही आएगा, n 12 है,
अब यहाँ पे यूज़ करते हैं सम का फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपने एस 12 फाइंड करना है, एस 12 एन की 12, तो इधर भी 12 बाई 2 आ जाएगा इंटू टू, और ए वन आपके पास क्या है 9 है प्लस 12 माइनस वन, और डी के लिए पास क्या है 2। तो एस 12 जो है ये इक्वल आ जाएगा आपके पास 6 के इंटू 9 टू 18 प्लस 11 टू 22 यहाँ पे आएगा ये, क्योंकि 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, 11 टू 22। अब एस 12 जो है ये इक्वल आ जाएगा आपके पास 6 के, और इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ से आपके पास बनेगा 0, 40 बन जाएगा ये। अब 6 को 40 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एस 12 जो है इक्वल आ जाएगा 240 के। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर, हमने यहाँ पे इस सीरीज का सम फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 4.3, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 100। अब क्वेश्चन इस तरह है कि आपने 2 से लेकर 100 तक जो इवन नंबर्स हैं उनका सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट इवन नंबर 2 आएगा, फिर 4, 6, 8 सो ऑन 100 तक। अब यहाँ सबसे पहले हमें यहाँ से देखें, गिवन डाटा हमारे पास A1 जो है वो तो आ जाएगा 2, D कैसे फाइंड करेंगे, 4 - 2 तो 2 आ गया। अब ये कितनी टर्म्स हैं, उसके पहले आपको पहले n फाइंड करना पड़ेगा, n फाइंड करेंगे तभी हम एस एन फाइंड कर सकते हैं। जब इसका सम फाइंड करें तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे n फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला यूज़ करके पहले n फाइंड करेंगे फिर हम सम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ए एन ये इसमें लास्ट टर्म है, यहाँ मैं लिख दूँ यहाँ पे जो ए एन है वो 100 है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में है तो ये ए एन होगी, लास्ट टर्म होगी इस, तो इसे ए एन से नोट करेंगे। ये आ जाएगा यहाँ पे 100, ए वन जो है वो 2 है प्लस एन हमने फाइंड करना है, और डी जो आपके पास है वो आपके पास कितना है 2 है। तो ये आ जाएगा 100 माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू एन माइनस 1, इसे रीअरेंज कर लिया तो 100 में से 2 माइनस करें तो 98 आता है, और 2 को इस पर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा एन माइनस 1। तो 2 को 98 पे डिवाइड कर 2 4 8 और 2 9 18, एन माइनस 1 माइनस 1 को इधर लेके आए तो ये बन जाएगा 49 प्लस 1 एन विच इम्प्लाइज दैट, तो एन आपके पास क्या आ गया 50 टर्म आ गए। तो हमारे पास ये जो टर्म्स हैं ये कितनी है 50 है, तो 50 टर्म का हमने सम फाइंड करना, इधर ही फाइंड करते हैं सम इसका एस एन का फार्मूला यूज़ करते हुए। एस एन का फार्मूला लगाते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस 50 हमने फाइंड करना, यह आ जाएगा एस 50 इज इक्वल टू 50 बाई 2 इंटू 2 और a1 की वैल्यू आपके पास 2 है, a1 के लिए 2 आ गई प्लस से आ जाएगा 50 माइनस 1 और d हमारे पास कितना है, d भी हमारे पास 2 है, ये 2 आ गया d की वैल्यू। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो s 50 इज इक्वल टू ये 25 बन जाएगा, यहाँ से 4 और 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से देखिए ये 49 तो 2 आपके पास मल्टीप्लाई करना जाएगा 98। तो s 50 जो है 25 और साथ यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 102, इनको ऐड करने से क्या आएगा 102, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा एस 50 इज इक्वल टू 2550, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 99। अच्छा अब यहाँ पे आपने ऑड नंबर का सम फाइंड करना जो कि 1 से 99 तक हो। तो ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 99 आर 1 + 3 + 5 + 7 सो ऑन और 99 तक है। अच्छा ये भी सेम क्वेश्चन है, उसमें इवन नंबर थे और इसमें क्या है ऑड नंबर थे। जो बस क्वेश्चन 8 था उसमें आपने इवन नंबर का सम फाइंड करना था, यहाँ पे आपने ऑड नंबर का सम फाइंड करना है। तो इसमें A1 आ गया, D कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2 आ गया यहाँ पे, और जो ए एन है ये लास्ट टर्म है 99 है, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे n फाइंड करेंगे, n के लिए हम यूज़ करेंगे nth अरिथमेटिक सीक्वेंस वाला फार्मूला, ए एन इजिकल ए वन प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ वैल्यू लगाते हैं। ए एन की वैल्यू हमारे पास 99 आ गया, ए वन 1 है, n हमने फाइंड करना है माइनस 1 और d के लिए पास क्या है 2 है, यहाँ पे 1 को इधर लेके जाएँ तो 99 - 1 98 और इसे रीअरेंज करके 2 × n - 1 आ गया, ये 98 बनेगा और 2 को इस पर डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये बन जाएगा 49 माइनस 1 को इधर लेके आए हैं, प्लस 1 बन जाएगा तो n की वैल्यू के पास क्या आ गई 50। तो ये आपके पास कितनी टर्म्स हैं,
50, अब हमने 50 टर्म का सम फाइंड करना है, तो एस एन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एस 50 हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 2 इन टू 2, और ए 1 जो है वो पास 1 है, आठ नंबर है 1 तो 1 आ जाएगा, प्लस एन के पास वही 50 है माइनस 1 और डी के पास कितनी है 2 आ गई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एस 50 जो है ये इक्वल आ गया, यहाँ पे 25 आएगा कटिंग के बाद, 2 वन से 2 और 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 98। 98 में 2 ऐड करें तो आपके पास आता है यहाँ पे 100 आता है, तो एस 50 जो है इक्वल आ जाएगा पास 25 मल्टीप्लाई 100, तो जो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है एस 50 का इक्वल आ जाएगा पास 2500। ये आपने सम फाइंड कर दिया, आठ नंबर्स की टर्म का सम फाइंड कर लिया।